सहनावतु सहनऊुन सह वीर्य कर्वावहै तेजस्वीनावधीतमस्त मिषावै शा शांति शाति वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है वेदों में मन का स्वरूप इस विषय में हम चर्चा कर रहे हैं ऋग्वेद के दसवें मंडल के सूक्तों का स्वाध्याय कर रहे हैं जिनमें अनेक विषयों पर मार्गदर्शन दिया गया है और यदि हम अपने संपूर्ण कर्मों को अनुष्ठान की भांति ईश्वर की पूजा मान करके उन कर्मों का अनुष्ठान करते हैं तो उसमें मन का पवित्र होना और मन को साथ साथ लगा करके के कर्म करना ये बहुत बड़ा हमारे लिए साधन है और बहुत बड़ा यह जीवन जीने का जगत के कल्याण का यह संसाधन है हम कभी भी जीवन को पतन की ओर ना ले जाएं उत्थान की ओर ले जाएं सभी का यही कथन है जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए जितने भी महापुरुष हुए उनके जीवन का जो सार है उपदेश है जो निचोड़ है पूरे जीवन का तो यही एक निचोड़ है कि अपने मन पर इंद्रियों पर अपने संपूर्ण अस्तित्व पर नियंत्रित होकर के नियंत्रण पा करके जब हम ईश्वर की भक्ति पूर्वक अपने कर्मों का अनुष्ठान करते हैं और कल्याणी वेदवाणी के अनुसार जीवन को जीते हैं अर्थात कभी भी वेद विरुद्ध आचरण नहीं करते हैं कभी भी आत्म प्रतिकूल आचरण नहीं करते हैं तो निसंदेह कभी भी हमको धोखा नहीं मिलेगा कभी हम दुखी नहीं होंगे कभी हम द्वंद्व में नहीं होंगे कभी भी हमारा जीवन अज्ञान अविद्या अधर्म की ओर प्रवृत्त नहीं होगा बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है दसवें मंडल के सूक्तों में और मन का क्योंकि विशेष जो है हमने स्वाध्याय करना है इसलिए इसी पर हम विशेष केंद्रित रहेंगे दसवें मंडल के इकहत्तरवें सूक्त में बहुत ही सुंदर बातें कही हैं और अलग अलग मंत्रों में जो एक विशेष जान विशेष हमको जो मार्गदर्शन दिया गया है इस पर हम चर्चा करेंगे बहुत ही महनीय उपदेश जिसके आत्मसात करने से हमारा संपूर्ण जीवन स्वस्थ और बहुत ही अनुकूल और दिव्यता से युक्त होगा ग्यारह मंत्र इस सूक्त में हैं और ग्यारह मंत्र हैं उनमें मैं मन पर पहला जो है प्रकाश डालता हूँ पहले मंत्र में यहाँ पर कहा है ओम बृहस्पति प्रथम वाचो अग्रम येरता नाम ध्येय दधाना यदेशा यद यदरिपा यदरी प्रमासी प्रेरणा तदेशा निहितम गुहा भाव इस प्रकार से मंत्र का है कि प्रभु से दी गई वेदवाणी ही इस सृष्टि के प्रारंभिक शब्द थे सर्वश्रेष्ठ हृदयों में इसका प्रकाश हुआ और उनके द्वारा इसका विस्तार हुआ जो आदित्य अंगिरा ग्नि वायु इन चार ऋषियों को जो ज्ञान मिला उनकी दिव्यता उनके नैर्मल्य स्वभाव के कारण तो उस ज्ञान को उन्होंने विस्तार दिया और संपूर्ण मानव जाति के लिए मनुष्यता के लिए यह ज्ञान अत्यंत महान है मन पर विचार कर रहे हैं तो दूसरे मंत्र में बहुत सुंदर बात कही है कि वेद वाणी का विचार हम करें वेद वाणी की मिल के चर्चा करने से वाणी में जो है भद्रा लक्ष्मी का निवास होता है मन पर भी नियंत्रण होता है मन जो चंचल है जो अस्थिर है उसको स्थिरता प्रदान करता है यह जान मैं वेद मंत्र लिखता हूं फिर चर्चा करूंगा आपके समक्ष बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है यह ओम

पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम वाचं वाचम वाचपकृत अत्र सखाया अत्र सखाया सख्यानी जानते सख्या जानते भद्रैषा लक्ष्मीर निहिताधी वाची लक्ष्मीर निहिताधि निहिताधिवाची ऋग्वेद के दसवें मंडल के इकहत्तरवें सूक्त का यह दूसरा मंत्र है ओम सक्तुमिव तौना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचमक्र असखाया सख्या निजानते भद्रैषा लक्ष्मीर निहिताची ओ सक्तुमिव तवना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचमकृत यखाया सख्याजानते भद्रैषा लक्ष्मी निहिताधिवाची बहुत ही सुंदर भाव इस का है कहा है जैसे इव जैसे सत्तु को ततवना जो छाननी होती है जो छलनी होती है पुनंतु उससे पवित्र करते हैं जैसे सत्तू में बहुत सारे अनाज डालते हैं उनको फिर भून करके पीस करके तो भी उनको और शोधित किया जाता है उनको छाना जाता है तो कहा जैसे सत् को छालनी में या छननी में डाल करके उसको पवित्र करते हैं उसको शुद्ध करते हैं ठीक उसी प्रकार से यत्र जहां धीरा जो ज्ञान में सदा रमण करते हैं जो धीरता वीरता गंभीरता से युक्त होते हैं ज्ञान में रमण करने वाले धीर गंभीर पुरुष मनसा मन से मन में मनन व चिंतन के द्वारा वाचम इस वेदवाणी को अक्रता प्रकृति प्रत्यय के विचार से प्रकटार्थ करते हैं अर्थात जिस प्रकार से मन इस वाणी को बहुत चिंतन मनन करके क्या बोलना क्या नहीं बोलना और क्या शब्द हम बोल रहे हैं उसका अर्थ क्या होगा उसका प्रभाव क्या होगा इन सभी बिंदुओं पर जो विचार करके धीरता से गंभीरता से जो बोलता है क्योंकि जो शब्द हैं जो हम पद बोलते हैं तो पद का कुछ अर्थ होता है जिससे पदार्थ बोलते हैं हम एक एक शब्द इस प्रकार से बोलें कि उसमें कभी कोई त्रुटि होने ना पाए शब्द का जो प्रयोग है वो धातु प्रयोग क्योंकि संस्कृत की दृष्टि से यह चर्चा यहाँ पर की है कि एक भी शब्द निरर्थक नहीं होता उसका कोई अर्थ होता है जो भी हम शब्द बोलते हैं तो उस शब्द शक्ति का ह्रास ना हो उस शब्द शक्ति को हम उसका दुरुपयोग ना करें उसका गलत प्रयोग ना करें जहां पर जैसी वाणी बोलनी है जैसी बात बोलनी है जैसा कथन करना है ठीक वैसा ही कथन करें उससे विपरीत आचरण ना करें उससे विपरीत कोई शब्द ना बोलें जिससे कि वह जो है वाणी का तेज क्षीण हो प्रकृति प्रत्यय के विचार से प्रकटार्थ करते हैं अत्र यहां सखाया यह खानब ये शाम मिलकर के जान की चर्चा करने वाले ये लोग सख्यानी वास्तविक मित्रता को जानते हैं अनुभव करते हैं इस संसार में वास्तविक मैत्री तो प्रभु के साथ ही है सनो बंधुर जनिता सविधाता त्वमेव माता चा पिता त्वमेव त्वमेव बंधुचा सखा त्वमेव तो ये सारा संसार और ये शरीर उसी का दिया हुआ उपहार है तो हम उसके साथ मित्रता स्थापित करें वास्तविक मित्र तो वही हैं अनुभव श्रेष्ठ जन करते हैं कि वास्तव में सच्ची कमाई सच्ची संपत्ति तो ईश्वर की भक्ति में ही है इस संसार में और मित्रता हो तो अच्छा है लेकिन सबसे पहली मित्रता प्रभु से होनी चाहिए उस मैत्री का अनुभव जान की चर्चा करने वाले ही कर पाते हैं ऐशाम वाची इनकी वाणी में भद्रा लक्ष्मी कल्याणी लक्ष्मी अधिनिहिता आधिक्यन निहित होती है अधिनिहिता जो वास्तव में विद्यमान है विराजमान है ये जो अपने जीवन को साधते हुए जीते हैं जो अपने जीवन को संयम में रखते हैं अपने मन वाणी इंद्रियों को कभी भी अव्यवस्थित तरीके से अमर्यादित तरीके से या अव्यवहारिक तरीके से उसको कभी भी प्रस्तुत नहीं करते हैं ये बहुत ही जान से युक्त बहुत श्रेष्ठतम उच्च चेतना वाले लोगों का कार्य है तो वो उस कल्याणकारी लक्ष्मी को अधिनिहिता आधिक्य निहित होती है जिसमें इनकी वाणी पवित्र होती है ये सब के लिए शुभ ही शुभ बोलती है सदा प्रभु के नाम का स्मरण करते करने से लक्ष्मी संपन्न रहती है यह जो हमारी जीवन और जगत की कल्याण की विधि है उसमें यह है कि जो कुछ भी हमको उस प्रभु से मिलता है वह फिर जब हम देवत्व के भाव से अपने मन वाणी इंद्रियों से उसको संसार की सेवा में लगाते हैं तो उससे कभी भी एक त्रुटि नहीं होती वह ईश्वर की भक्ति से सनी होती है चाहे वाणी हो चाहे मन हो चाहे इंद्रियां हो, वो हरि के गुणगान में सदा आनंदित रहने वाली है जब लक्ष्मीवान वे प्रभु हैं इनकी वाणी में लक्ष्मी क्यों ना हो क्योंकि ये कल्याणी वेद वाणी है इसको जो आत्मसात करता है क्योंकि ये वाणी किसकी है उस परमात्मा की है तो परमात्मा की वाणी को जब हम धारण करेंगे तो नहीं कल्याण तो होगा ही होगा तो इनकी जो कल्याणी वेदवाणी है इसका धारण करके व्यक्ति महान बन जाता है वास्तव में इनकी वाणी में ऐसी शक्ति आ जाती है कि जो कुछ बोलते हैं वैसा ही हो जाता है उसमें फिर कोई जो है न्यूनता नहीं रहती है वेदवाणी हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी है इसको हम सदा आत्मसात करें सुने कान तेरे सदा वेद वाणी सुने कान तेरे सदा वेद वाणी तो कर वेद वाणी मनन धीरे धीरे मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे दमन इंद्रियों का तू करता चला जा दमन इंद्रियों का तू करता चला जा काबू में आएगा मन धीरे धीरे मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे तेरी इंद्रिया हो सदा मेरे बस में मेरी इंद्रिया हो सदा मेरे बस में तो ये जो मन का और तन का दमन इंद्रियों का तो करता चला जा दमन इंद्रियों का तू करता चला जा काबू में आएगा मन धीरे धीरे मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे तो दुनिया में शुभ कर्म करता चला जा तू दुनिया में शुभ कर्म करता चला जा काबू में आएगा मन धीरे धीरे मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे तो कर बंदगी और भजन धीरे धीरे तो संपूर्ण जीवन को हम धीरे धीरे शनै शनै इस दिव्यता और भव्यता की ओर ले जाए जहाँ पर कोई न्यूनता ना हो जहाँ पर कोई पाप ना हो कोई जहाँ पर क्लेश ना हो जहाँ पर कोई वासना ना हो और वो कब आएगी वो प्रभु की उपासना से वो प्रभु की उपासना से संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन दुर्व्यवहार दूर हो जाते हैं और मन भी हमारा प्रसन्न रहता है तो इसमें बहुत सारे वेद मंत्र ऐसे हैं जो बहुत ही सुंदर हैं इसमें फिर आगे कहा कि तीसरे मंत्र में यज्ञेन वाचम वाचा उत जो निसंदेह है प्रारंभिक चरण का यही अर्थ है कि यज्ञ से श्रेष्ठतम कार्यों से वाणी के मार्ग को प्राप्त करते हैं यज्ञ वृत्ति हृदय का शोधन करके हमें वेद जान के मार्ग का पथिक बना देती है और इस प्रकार से उस प्रभु जो देव महादेव आदि देव हैं उन आदि देवों को वेद जान देते हैं अग्नि आदि को जो वेद वेद जान और इनसे अन्य वृत्ति वाले ऋषियों को यह प्राप्त होती है उसे ये ऋषि मानव समाज में प्रचारित करते हैं यह वेदवाणी सात छंदों से युक्त है अथवा जो है इस प्रकार कहें कि कान नाक, आँख मुख आदि ये सात जो स्तोता बनकर के सदा सुनना समझना और समष्टि के लिए उसको लगाना ऐसा वो प्रयास करते हैं तो बहुत ही सुंदर बात है आगे और हम चर्चा करेंगे इसी सूक्त के मंत्रों का ओ शांति शांति शांति